अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपनी हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो हैं फंक्शंस, कि ये किस तरह से काम करते हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जनाब अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ से इसका पावर बटन ऑन, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मली ऑन और हैवी, स्पिन, क्विक, फ्लैश, डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट और एयर ड्रायर। तो नॉर्मली जो है ना, वो लोग जो कपड़े मतलब यूजुअली लोग वॉश करते हैं वो नॉर्मल पे करते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ मैं हैवी पे करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल पे जो होता है ना कि कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे वॉश नहीं होते जितने कि हैवी पे होते हैं। जो अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ना इसके कि हमारे कपड़े सही तरह से धुलते नहीं हैं, वॉश नहीं होते, तो वो लोग फिर क्या करें कि वो हैवी पे कपड़ों को वॉश करें। तो स्पिन तो आप लोगों को पता ही है कि मतलब कपड़ों को जो होता है वो उसने पानी निकालना होता है, ड्रेन करना होता है। और क्विक पे होता है कि अगर आप लोगों को जल्दी है कि फ़ौरन से कपड़े को वॉश करने, तो बस आप लोग फटाफट से जो है तो 15 मिनट ये लेती है क्विक पे, 5 मिनट ये लेती है वॉश करने को, बाकी ये रिंस करने को, स्पिन करने को और सारा उसका टाइम होता है इसका। तो अभी आप देखेंगे ये नॉर्मल पे जो है ये लाइट आपको ऑन नज़र आ रही होगी। तो यहीं से प्रोग्राम से मैं क्या करूँगी, मुझे जो भी जो फंक्शन इसका जो चूज़ करना है ना, मैं उसी को सिलेक्ट यहाँ से करूँगी। ये मैं आ गई हैवी पे, स्पिन पे, क्विक पे। तो जो इधर वाले फंक्शंस है ना ये भी इसी बटन से ही होंगे। अभी मैं ये देखें, ये आ गया डीप क्लीन पे, आ गया वूल पे। जब इस तरह से लाइट बार बार ब्लिंक करेगी ना, तो इट मीन्स के जो आपके इस साइड के जो फंक्शंस है ना वो वाले ऑन है, और अगर लाइट आपकी इस तरह से ब्लिंक नहीं करेगी तो फिर इस साइड के जो है ना वो आप लोगों के ऑन है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो फंक्शन है ना एयर ड्रायर का, तो मैंने तो ये ट्राई किया था, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये किया होगा वो भी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि ये ना जस्ट आप कह सकते हैं कि बिजली को ज़ाया करने वाली बात है, ये काम शाम कोई नहीं करता, कि मतलब ये पूरे 60 मिनट लेता है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि एयर ड्रायर के मतलब कपड़ों की जो है वो स्पिन तो ये ऑलरेडी कर चुका होता है, तो इसने एयर ड्रायर में होता है कि मतलब इसने हवा के साथ कपड़ों को खुश करना होता है जो थोड़ी बहुत नमी बचती है। तो सर्दियों के लिए मोस्टली इन्होंने ये फंक्शन बनाया है हायर वालों ने, कि मतलब आप सर्दियों में इससे जो है कपड़े अपने ड्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये करके 2 दफ़ा देखा है, मेरा तो ये हुआ नहीं, इसलिए मैं तो ये नहीं बोल सकती कि आप लोग इसको करें। तो ये फजूल, उससे बेहतर है कि आप 1-2 घंटे ना वैसे कपड़ों को हवा में सुखा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसको ज़ाया करें, अपने बिल को बढ़ाएं, ठीक है जी। तो अभी मुझे जाना है दोबारा से, आप देखें कि मुझे जाना है यहाँ से हैवी पे, ठीक है। ये मैंने आपको इस साइड के जो है ये फंक्शंस आपको समझा दिए, और ये यहाँ से है वाटर लेवल। वाटर लेवल आपने अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग जो है चूज़ करना होता है। तो अगर आप लोगों को मतलब वॉशिंग मशीन को आप फर्स्ट टाइम आपने मतलब इसको यूज़ करना है, आपको इसके फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्टार्ट में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पर बंदा सीख ही जाता है जब एक चीज़ आपके पास हो। आपने यहाँ से क्या करना है, आपने करना है पावर बटन को ऑन और जस्ट नॉर्मल पे, और आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पावर बटन को ऑन किया, नॉर्मल पे रहने दिया, और आपने यहाँ से इसका जो स्टार्ट का बटन है उसको प्ले कर देना, दैट्स इट, आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके जो हैं नॉर्मल पे इसके जो फंक्शंस है उसमें क्या क्या है, ये कितना इसका वाटर लेवल है और कितना इसका जो बाकी का टाइम है। तो इस पर ये क्या कर रही है ये देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि ये नॉर्मल पे ले रही है 6 इसका जो है वो वाटर लेवल है, और वॉश टाइम इसका जो है वो 14 मिनट है, और रिंस ये ले रही है जनाब 2 दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा ये कपड़ों को गंगा लेगी ना, तो जिस तरह से हम लोग कपड़ों को बैठ के वैसे पानी से गंगालते हैं, ठीक है। स्पिन का जो इसका ये टाइम है ये ले रही है 6 मिनट्स, तो टोटल जो मतलब पूरा इसका जो है वो पैकेज है वो 53 मिनट्स का है। तो मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाह रहे हैं कि बस मुझे ज़्यादा फंक्शंस आते नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रही या मैं कर नहीं सकती, तो आप लोग फिर सिंपली बस नॉर्मल पे करें और इसको करें और वॉश कर दें। बाकी जो इसकी सारी सेटिंग्स आगे की है वो किस तरह से है सारी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी फिर अपनी जो नेक्स्ट एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगी, और साथ में आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो प्रॉपरली पानी नहीं ले रही है इस पाइप में से, जो इसका पानी का पाइप आता है ना, तो उसमें एक फ़िल्टर होता है इसको क्लीन करना, तो उसके बारे में जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।